श्रोता दर्शक बंधु भाई लोग, आज हम लोग आप लोग के बीच में एक बच्ची के गाना गवाब जाते हैं, जेकर नाम है उजाला यादव, दिनेश लाल यादव निरहुआ, विजय लाल यादव, प्यारे लाल यादव के परिवार से जुड़ल एक बच्ची आप लोग के सामने ठिबिरहा गावा जा रहा बड़ी। बहुत अच्छा कांड सुनी है, आप लोग के आशीर्वाद का हम प्रतीक्षा करब। हमारे ठीक दाहिने बगल ये बच्ची के पिताजी जिनका नाम है मुन्ना, पहले इनका नाम रहा मुन्नी लाल, गायक हमारे गुरु, जिनको हम गुरु मानते थे उनको ये गुरु मानते थे, हमारे गुरु भाई हैं रामदेव यादव की गीत उन्होंने गाया और हमारे साथ बहुत ये किए। और साथ में मुन्ना भाई के साथ मैं घर जब गया तो इस बच्ची को मैंने बचपन से ही देखा कि बहुत बिरहा गाने की इच्छुक है, तो हम दोनों भाइयों ने, हम दोनों साथियों ने ये संकल्प किया कि अगर बच्ची गाना चाहती है तो हमको गवाना चाहिए। क्यों? कि आज जो नारा लगाया कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी के लिए हम लोगों ने प्रयत्न किया। आज एक बेटी को हम आप लोग के सामने गीतों के माध्यम से जो कुछ भी दे रहे हैं, उनके ठीक बगल में इनके छोटे सुपुत्र मुकेश हैं और ये इनकी संगत करते हैं। पूरे परिवार का इस बच्ची के साथ सहयोग है, साथ साथ मेरा भी सहयोग है। मैं चाहूँगा कि ये मेरे चैनल से गाना आ रहा है, आप लोग का सहयोग, आप लोग का प्यार, आप लोग का आशीर्वाद होना चाहिए, और जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, इस बेटी को आशीर्वाद मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जियो बहादुर, क्या बात है, बहुत अच्छे। सद्भावना प्यार लेकर ममता मिलन देने आती है राखी, भाई बहन का मिलन हो तपावन, जीवन में ज्योति जलाती है राखी, पीहर व सासुर की गलियां बिहस्ती, रिश्ते का संगम सजाती है राखी। अरे नीरज, कभी तुमने सोचा न होगा कि भाई पखंजर चलाती है राखी। ये हमार बिरहा एक परिवार से लिहल गई। आज लोगन का मानसिकता परिवार के प्रति बड़ा घिनौना हो गई बा। हमार बिरहा जे शुरू से अंत तक सुनी, ओके एक सीख मिली कि हमके आपके परिवार में कैसे रहे के चाहिए, लेकिन लोग रहा लन कैसे। एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा लगल मास्टर, करबला चलो करबला चलो, बहुत अच्छा। लेकर हरि का नाम चलो करबला चलो करबला चलो, मास्टर। और राखी के प्यार को, राखी के प्यार को, कातिल नहीं पहचानते राखी के प्यार को, राखी के प्यार को, बहुत अच्छा।
का प्यार ये हमार बिरहा बा। बाबा एक भाई बहिन के ऐसन त्योहार होला जौन साल भर में एक बार आवेला, जौन त्योहार का नाम बा रक्षा बंधन। कितनो रूठल भाई होके कितनो रूठल बहन होके लेकिन ये रक्षा बंधन त्योहार के दिने भाई बहन का ममता प्यार उ रूठा भुला देला। कहानी का शुरुआत बा ई मास्टर कहानी कहाँ से कैसे ले गई राजस्थान उदयपुर की कहानी है, राजस्थान उदयपुर की कहानी है, घराना लड़ा करड़ा बाकुरी निशानी है। दरस पुरोहित उसी गांव के गरीब रहे, दरस पुरोहित उसी गांव के गरीब रहे, विधाता रूठ गए बड़े बदनसीब रहे। पत्नी दीप बेटी मंजुला सयानी थी, पत्नी दीप बेटी मंजुला सयानी थी, पुत्र मनोज 13 साल की नदानी थी। ए बाबू राजस्थान उदयपुर के रहे वाला एक बड़ा गरीब इंसान जेकर नाम बतावल गल दरस पुरोहित। दरस पुरोहित के दुल्हिन का नाम दीपा। दुनिया का मालिक दू गो संतान दिले बड़न, एक बड़ी बिटिया जेकर नाम मंजुला बा, छोट बेटा जेकर नाम मनोज बा। परिवार तो बड़ा प्रसन्न बा लेकिन मजदूरी से अपन जीविका दरस पुरोहित चलावत रहन बाबू। घर में बिटिया मंजुला सयान हो गई, सर का बोझ बन गई। दरस पुरोहित सोचा तुम कि बिरहा के सुने वाले भाई बाबू आप लोग भी ध्यान से सुन ली, शादी ब्याह अगर समय से हो जाला तो पुण्य का काम होला। दरस पुरोहित अपने बिटिया का शादी तो तय कर दलन जिला अलवर में। शादी तय हो गई, धीरे धीरे शादी का दिन नियराए लगल। अब दरस पुरोहित घबराए लगलन, ए मजदूरी से जीविका चली नहीं पावता, अब बिटिया का शादी कपार पे आ गई, इस शादी कैसे कपार करवे। ए बाबू लोगन से उधार रुपया लेके कर्ज लेके बिटिया का शादी पार कर दलन। मंजुला ससुरार में अपन जीवन व्यतीत करत है, आया हर देखा कर्जा के चुका नहीं पौलन। कर्जवान दरस पुरोहित के घरे अवे लगलन, गाली गलौज देवे लगलन। ई बात बाबू दरस पुरोहित के सीना में लग गई। हम बिरहा के सुने वाले भाई लोगन से एक बात जरूर कहबे, चिंता चीता के समान होला। जे चिंता कैलस आप समझ लें कि वो चीता पर लेट गई। दरस पुरोहित ऐसन चिंता कैलन बाबू, खाना पानी छूट गए, चार पाई पर लेटल हुआ, रात का बेला बा अपने दुल्हिन दीपा के बुलाए के रोए रोए के बाबू एक बात कहे लगलन। का कहे मास्टर? अरे सरंगिया वाले कहे तेरा अरे सरंगिया वाले कहे तेरा पताई तेरे छोटी की नाना दी भरल बात बाबू दरस पुरोहित कहत हुन कैसे। अरे अब ना बची मोर परानवा, अरे अब ना बची मोर परानवा, दिया नवा दिया दिया
तू पढ़ाइया हो रुपया कमाए लगी सुगनवा कर्जा मोर चुकई है हो टोटल बासा सते चानवा दिया नवा दिया रानिया ए बाबू दरस परोहित रो रो के कह लगलन मंजुला के माही हमरे जिंदगी के भरोसा ना बा जबन दुनिया छोड़ के हम चल बसी लेकिन हमारे एक बात अपने दिल में लगा लिया हाय 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 हम धरती पर रही या ना रही हमरे बेटा मनोज के पढ़ा लिखा के बढ़िया पोस्ट पर कर दिया हमर बेटवा बढ़िया पोस्ट पर हो जाई हमरे कर्ज के चुका दई हमरे आत्मा के शांति स्वर्ग में भेटा जाई हे बाबू पति पत्नी के इतना पावन पवित्र रिश्ता होला हो दीपा बेचारी भर अकवारी अपने पति दरस पुरोहित के पकड़ लली खाली अरे जी ऐसा काहे बोलत बनी आप ना हम अपना से दूर तो के कबो ना जाए दे लेकिन बाहर दुनिया के मालिक थोड़ा से मालिक के दर्द ना इले बाबू इस शरीर से आत्मा निकल गई लाश द्वारे रखल बा माई बेटा वो लाश पे गिर के रोवत हुन कैसे रवत हो मास्टर साहब अरे लाश पे गिरी के रोवे अरे लाश पे गिरी के रोवे दीपा बाऊ रैया बताई सैया तू अला के रहिया कैसे कै पढ़ाई बो कैसे विधवा के दे किसाता फेर ला नया नवा अरे जारता जमाना बदल सब करने गहिया हो ए बाबू आज पति के द्वारे लाश रखल बा सोचत है कि अपने सैया के साथ चलबे स्मशान घाट पे जर के मर जाई लेकिन एक तरफ बाबू पुत्र मोह यार बेटा बैठल हुन अब धर्म संकट में दीपा बेचारी पड़ गई कि पति के साथ दही की बेटा कर लेकिन लोग लाश के लजा के बाबू अंतिम संस्कार कर दलन माई के बार बार एक के बात याद हुए
हमरे स्वामी जी जात के बेहरा में ही है कह के गईलन, हमरे बेटा मनोज के पढ़ा लिखा के बढ़िया पोस्ट पर कर दिया, हमर लाल कर्जा चुका दई, हमरे आत्मा के शांति भेटा जाई। बात बाबू ई बार बार माई के साले दीपा बेचारी बुढ़िया मतारी लोगन के चूल चौका मजदूरी करे लगली है बाबू। मजदूरी करके करत काही मास्टर साहब एक लाइन गीत लगल बा, भाव परे बा गीत से बढ़िया भाव बा। और पढ़ावे लिखावे देखे वाली माई फौजी जाल रूप हो रे बेटा के बना वाली माई टेन कई के पोस्ट भैया जम्बू की सहारिया हो राजा उधारिया हो महिमा बड़ा अपार हो जाला। हम बताइला अगर वो मालिक रिसिया जाएं तो तोहर चाम खींच के तोहर चमड़ी उधेर ली है, अगर दुनिया का मालिक मनसा जाएं तो एक झोपड़ी से महल बना दी है। माई का तपस्या दुनिया का मालिक सुन ललन, माई अपने बेटवा के पढ़ावत लिखावत है, एकलौता बेटा मनोज के सफलता मिलल है बाबू। कब खुली भर्ती निकलल बा, भर्ती के लाइन में गईलन मनोज, फौज में भर्ती हो गईलन। ड्यूटी कहाँ लगल, जहाँ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर बा, जवान ड्यूटी पर तैनात, अतबले छुट्टी टाइम से ना मिले। जब छुट्टी टाइम से ना मिले अब 3 साल बीत गए, एदा पारी बहुत बढ़िया टाइम पर छुट्टी मिलन, सामने रक्षाबंधन का त्योहार बा, जवान चल दहलन। जब मनोज अलन दिल्ली स्टेशन पर तो देखो तुम कि टाइम तो बहुत ज्यादा हो गई, अगर इतनी पहाड़ घरे उदयपुर जाई तो कल बहिन के घरे आवे में हमके देरी हो सकेला। एक काम करी इतनी पहाड़ चलब, बहिन के घरे रात बिताई, सुबेरे का राखी बधवा के शाम तक वापस घरे लौट आई। ए बाबू अब फौजी जवान एक रिजर्व कार कैलन, अब बहिन के घर के तरफ चलल हुए। आज जब बहिन के घर के तरफ चलन तो दुआरे पर कार पहुंचल, असंयोग देखा वहां बहिन भी सोचे थे कि बाहर भैया मनोज कल रक्षाबंधन का त्योहार बा, सब बहिन अपने भाई के कलाई में राखी बंधी है, लेकिन जो रे पगला जब से तू ड्यूटी पा गईले अपने बहिन के भुला गईले ना, आयतने में तो हनाना दुआरे कार आ गई। बहिनिया घरवा में से देखलो सर, अरे 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 दुआरे पर कार,
ओकार से फौजी जवान खलास बार दुनिया के मालिक। अगर दिल से दुनिया के मालिक भगवान के याद करिया तो भगवान प्रकट हो जाइए इंसान में का हो। अरे तो हमार भैया मनोज बहिन पहुंच गई बाबू कार के पास तक कैलिन का एक लाइन गीत लगल जियो बहादुर ए मास्टर ये हमारे जन्म के पहले का गीत हो। हमारे बाबूजी बतावल कहे उजाला का कोई गाई ए गीत के स्वर्गीय बेचन गुरु गावे कैसे गाओ मास्टर। आ बहिन उमारिया के बारी हो और बारी हो पियावा मांगे लागवना। नेनुआ कबतिया सैया नेनुआ कबतिया छुआला पे जाई मुरझाई हो को मिलाई हो पियावा मांगे लगाना। लेकिन आप लोग भाव पर गौर करें बहिन भैया के भार अकवारी पकड़ लालस कहत बा का कहलस। द्वारा पे देख के बिरानवा हो अरे बिरानवा हो झूम बहिन कहना। टूटना ही पवल मोर सपनवा हो अरे सपनवा हो झूम बहिन कहना। बतिए में पाई गई रुपया कथा हो सबिनिया का बदल निगाहो लुटे बदे भाई का खजानावा हो अरे खजानावा हो झूम बहिन कमनावा। पगला आज 3 साल के बाद तो के हमारे याद आई ले भैया कला है बहनी याद तो बराबर रहल है लेकिन समय से छुट्टी ना मिलत रहल। अब की बार समय से छुट्टी मिलल देखा घरे ना गई कली चलब बहन के घरे राखी बधवा के ओकरे बाद सुबह के घरे उदयपुर जाई। ए भैया बहिन लेके भाई के घर में आई चारपाई लगा दलोस अब नाश्ता पानी हो तो अब भैया के दिल से थे बात निकल गई खले है बहिन तोरे शादी के तमाम कर्जा बाकी रहल चौने शोक में बाबूजी दुनिया छोड़ के चल गई लन। इस सूटकेस में रुपया रख ले बनी ए रुपया के ले चल के अंदर रखा आयतने में बहिन का निगाह बदल गई इतने में बहिन के सोच बदल गई कलो सर हमार पति पियक्कर
मालूम ना इतनी रुपया कितना दिन में कमाई। अगर आज रुपया के पा जाई तो गांव में सबसे बड़ा अमीर हो जाई। ए भैया, अब बहिन रुपया के चक्कर में पड़ गई। कल से भैया मनोज एक काम करा कि तू छला आराम करा, देखा मालूम न पिया करवा कब ले आई। जब ले वो आई ना तब ले कुछ बनबा ना करी। हम जाते हैं बाजार से कुछ साग सब्जी लेके आई ला। ए भैया, बहिन भैया के घर छोड़ के मंजुला जब बाजार में गई, साग सब्जी तो लहलस से बाबू, लेकिन साथ में नींद के गोली खरीद लहलस। अब घरे आई, खाना बनाए बहिन, भैया के खाना देत बा, वही खाना में नीचे बाबू नींद के गोली टल्ले बा। भैया के का मालूम कि बहिन हमारे साथ विश्वासघात करी। भैया जब वो खाना के खैलन आ खा के फिर चारपाई पे बैठ के अब कई बरिस का बात करत है भैया ई उ। भैया के तबले हल्की हल्की उ नींद आवे लगल। कलस भैया हम बुझत हई तुहार शरीर थकाइल हो, चला अंदर चारपाई लगल ही तब तक लेटा, अब कुछ देर में पिय करवा आ जाला। ए भैया, जब भाई गईलन अंदर चारपाई पर लेटे लगलन तब ले दुनिया के मालिक का देखल जा, भैया के नींद आ गई। आ जब भैया गहरी नींद में हो गईलन, गईल दरवाजा पर से दो बार बोलोलस मनोज, ए मनोज। अब तो मनोज गहरी नींद में खर्राटा खींचत हूँ, अतने में बाबू बहिन मंजुला एक रसरी लिया के अब भैया का हाथ पैर पूरी शरीर बाबू वही चारपाई में बांध हलस। अब सोचत हो कि चारपाई में बढ़ली जरूर सुबह हो जाई, घर का इंक्वायरी होखा लगी तो पैसा पकड़ा जाई। एक काम करा, गईल घर में बाबू लगल गणासा पत्थरी। जब गणासा पत्थर ललस भैया हो लेके आई, धीरे धीरे भाई के चारपाई पे चढ़ के अब गणासा के ताल हलस कि एक बार में भैया का गर्दनिए काट दी। लेकिन बाबू तबले भैया का नींद टूट गई। अचानक देखल कि बहिन, अरे बहिन कौन हमसे इतनी बड़ी गलती हो गई बहिन कि तोरे हाथ में ही गणासा। अरे बहनी क्षमा कद, अगर कोनो भी गलती बहिल हुई तो उसे छोट मनी, जब छोट करा लो तो गोद में लेके खिलौले उबू। आज बहिन वही हाथ से गणासा लेके तैयार बढ़ू, ये अच्छा ना लगता बहिन। बहिन गुस्सा में लाल कलो, सर तू हमार भाई कैसर रे, कहीं के पापी चोर, तू हमारे घर के लूटे बदे आ ले, तुरा के सबक सिखाई कि चोरी करम बहा पाप होला। देखा ये भैया उल्टी धारा बह लगल। आयतने में संयोग देखा, भैया का जान तो बच गई, बचौलस के तबले मंजुला का पति दारू पी के फूल आय के दरवाजा तक कहाँ लगौलन कि अरे इतनी रात कई मंजुला घर में कैसे बात करता बा? बाबा जोन शराब का नशा रहल आधी वही खत्म, लगला दरवाजा के पीठे, अरे मंजुला खोल दरवाजा के, अगर दरवाजा के तोड़ के अंदर आ जाई तुरे हड्डी के चूर चूर कर डालब। कलसा ही मोरी माई इतना पिया करवा आए गयल, अब का करी। अच्छा रुका, ऐसे ही भाई के बांधल छोड़ के बाबू हाथ में गणासा लेके धीरे धीरे दरवाजा के पास पहुंच के कलस, ए चुप चुप चुप, तोके मालूम बा सुबह 9 बजे का निकलेला, शाम 10 बजे कहवाला, जैसे ही दिन डूबल है तब तक एक चोर आके घर में घुस गई। और जौना चोर के हम जबरदस्ती पकड़ के चारपाई में बढ़ले बड़ी। एक काम करा, हाई पकड़ा गणासा और चल के चोरे का गर्दन खाच दे उड़ा दा। अब जोन शराब के अधीन सा बचल रहल वो खत्म। कहला अरे साला हमारे रहते हमारे घर में चोर। अजब पहुंचलन बाबू लेके गणासा के ताव
लहलन काटे बदे जोर से कवा जाई बाबू जोन करेजा को चीर ले। जीजा हरे जीजा बहिन त जान के बचा ललस जीजा, कोई के मारस से पहले उकर परिचय पूछल जला जीजा, हम कौन चोर बदमाश नहीं खे जीजा। मंजुला के पति के होश उड़ गल रे, अरे पागल मंजुला तू अपने भैया के ना पहुंचा लती, चल पागल अच्छा चल चल तू अपने कल दिमाग का दवाई करा ले। अब मंजुला का पति ये भैया वो हाथ का गणासा जमीन पर रख के निखुर के लगल है रसरी के खो रहे, तब तक वो पपिनिया कैलाश का मास्टर एक गीत के हम गंगा चैनल पर गौले बनी। हमरे गुरु जी ए समय के जेके लोग कंप्यूटर कभी कहेला, क्या बात है माननी प्यारे लाल कवि जी, एक लाइन बड़ा पिजोर लिखल हम, क्या बात है कौन लाइन में मास्टर ठल जलवे छोड़ाई के अपने बना के उठाकू घर लूटे आयल मारा पैया चाकू से कैली। निहुर के मंजुला का पति जब रसरी के छोड़त हो कलस बाप रे बाप बही न लगे सार बहन होई एक हो गई ला ला तो हाँ तमाशा दिखावत है। उठा लल बाबू जमीन पर से गणासा और निहुरल पति के गर्दन पर खाच दे चला धरस सर इतना दूर पर छटक के गई धड़ अलगे। अब सोचा था खलास के देख आज तोरे चलते हमार मांग का सिंदूर उजड़ गए, आज तोके सबक सिखाई और तोरे गर्दन की रीत रीत के काटब। बाप रे बाप बाधल भैया का शरीर एक फौजी जवान का देख लिया बाबू शरीर वही चारपाई में छपटी आत्मा उठ के बैठल चाहत हवन लेकिन तबले बहिन कैलाश का मास्टर अरे पापिन का पागल भई न मनावा निर्मल हृदय नारना दया भावना जागल हो जागल पापिन का पागल भईले मनावा उठा लो उस कलासा। अब भैया के चारपाई पर दोबारा बैठ के बाबू
अब सोचत बा कि करासा के चला दे, लेकिन भैया बड़ी ऊंची बात कहले ये बाबू, जौन पत्थर से कलेजा पिघल जाई, ए धरती पर कौन ऐसन बही रही कि जौन अपने भाई के साथ ऐसन कर सकेला। हाँ हाँ हाँ। भाई रोई के बात कहलन, का कहला मास्टर, अरे मनोज सोचे मनोज सोच लबना मिलने सनिया रक्षा बंधन के, अचान का दुश्मन भाई लया पहिनिया रक्षा बंधन के, रक्षा बंधन का त्योहार मनावे लली। कलश खियर बार बार तू भाई बने थे, कैसन तू भाई केकर भाई? भैया समझ गए कि अब बहिन के भूत सवार हो गई। कले ये बहिन ठीक बा, तू गर्दन के काटता, लेकिन एगो धागा लिया के हमारे कलाई में बांधा, जौने से रक्षा बंधन का त्योहार मना जाई, हमारे गर्दन के काट के जब धन के लेबू और रक्षा बंधन के विदाई हो जाई। हाय 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 हाय। लेकिन इतना पर भी बाबू बहिन मानलस ना, तबले कैलस का तान गड़ा सा भाई के गर्दन पर दिया चलाई हो, छटपटाई के शांत भइले तनिक दर्द ना आई हो, अरे पाई के तो पपी हसने जब पपिनिया रक्षा बंधन के, अब बन के रहा पर दौलत के मलकिनिया रक्षा बंधन के। बाबू भाई का तनिक सब बहिन बात ना मल्लस, गणासा गर्दन पर रख के लगल रेत रेत के काटे हो भैया, गर्दन के काट के बहिन अलगा दलस, रुपया के रख के देखत हो, लेकिन फिर सोच गई कि ये काम करी कि दोनों लाश के बहुत जल्दी छुपा दे। तो लाश कहाँ छुपावत बा, दोनों ग्लास के बाबू बोटी बोटी कह के एक बोरा में रख के जहाँ मनोज के चार पाई लगल रहल वही जब बाबू गड्ढा खोद के लाश के तोप डालस। अब कोई जान ना पाई के घर में लाश गाड़ल बा। यहाँ का बात तो बाबू आप लोग छोड़ल जा, थोड़ा से आप लोग ध्यान लेके वहाँ चली माई उदयपुर में अपने बेटा मनोज के जोहत है। इतना टाइम भइल आज बेटा अवे काले रहल, आज बेटा आहिल ना, कल रक्षा बंधन का त्योहार बा, बिटिया मंजुला फिर जोहत रह जाई। माई बाबू हो खाए पी के सुतल ही, अब तबले माई सुतले में एक ठे सपना देख लली। क्या बात है? कौन सपना रहल मास्टर? अरे माई बाबू रहिया रतिया देखले सपनवा भैया, खातरा में पाड़ल बामा नजबै रे हमार, अरे पातवा लगावा चलली जम्बू की सहरिया भैया, पीछवा में विधना कोला राज खेलवा, सोचली अकेले होई बाड़ी पार सनिया बाबू, अकेले होई बाड़ी पार सनिया बाबू,
मंजुला के गैली ससुरार। सपना के बात दीपा रोई के बतावली भैया। कहेले चिंता करे लू बेकार। भैया हमारा हुआ फौजी जवानवा माई। बाल बाक कारी नाही दुश्मन रे हजार। माई सपना रात में देखा थी हमर बेटा काए घरे ना आई। हमरे लाल का जान तक कहीं खतरे में पड़ल बा। रात माई कैसहू बिता लले ये बाबू। जब सुबह भइल माई नाश्ता तक ना कैली चल अली जम्मू कश्मीर बेटा का पता लगावे। फिर मन में सोचा थी हो सके अकेले ना पहुंच पाई अपने बिटिया मंजुला के साथ में ले ली। बिटिया पढ़ा लिखा बा ले लेब तो सहयोग बढ़िया करी। माई जब मंजुला के घरे पहुंचली इतना सुबेरे मंजुला माई के देखलस कहलस अरे इतना सुबेरे सुबेरे माई कोई बता दलस का। बस जा के मंजुला पहले माई के पैर छुअत बा। अरे माई तोर तबियत ना सही है का। बाबा हम देखली इतना सुबह सुबह दर्शन घबरा गईली। चल अच्छा अंदर चारपाई बल बैठा कुछ नाश्ता पानी हो जा। माही कली देख रही बिटिया तबीयत सही बा। आज लाल अवे काले रहल घरे मनोज ना आई। रात में बड़ा खराब खराब सपना देखली रे बिटिया। चल ना चल जम्मू कश्मीर बेटा का पता लगा ली हल जा। अब एक दिमाग टनक गल। अरे माई तू पागल भइल हो। अरे भैया फौजी जवान हो ओकर कोई कुछ बिगाड़ ना सकेला। चला आराम करा। माई गईली आराम कर थी तबले 10 मिनट ना बीतल तबले माई के फिर एक आवाज आई। ए बिटिया मंजुला देख रे बिटिया हमार दिल बड़ा घबरात हो। चल ना चल चल जम्मू कश्मीर तनी लाल का पता लगा ले रे बिटिया। कलस ओ माई समझ गई तू भैया बेगर एकदम पागल भइल हो। अब मनोज के याद में अपन शरीर सुखा डल्लू। चला अंदर चारपाई लगौले ही तब तक लेटा। अब 5 मिनट ना बीती तो के लेके जम्मू कश्मीर चलो। माई से बहाना कहके बाबू मंजुला गई फिर बाजार। दिमाग देखा बाबा अब की बार साग सब्जी तलालस लेकिन साथ में जहर का गोली खरीद लल से बाबू। आई गई मंजुला जब खाना बनाए भइल अब माई के खाना दे ले भाई भैया। वही खाना में नीचे जहर का गोली डलले बा। माई पागल बहु रहिया जस बैठल ही जैसे ही पहला कवर तोड़ के बाबू मुंह में डाले गईली। बारे दुनिया के माली एक दीवार से छिपकली माई के खाना में गिर गई। माई खाना के पीछे टार के लगली रोवा। अरे बेटा अरे हमार लाल मनोज कैसन असगुन जनात भरे बेटा। तोरे पर लाल कौन हो आफत नरे बेटा। तबले मंजुला यार से देखत रहा कि माई के खाना में बितकुई आ गिर गई। माई खाना के ना खैलस अब माई मरबे ना करी। फिर मंजुला पूछत माई ए माई सुना देखली तोरे खाना में बितकुया गिर गई और तू खाना के ना खैलू दूसर खाना लिया खा ला। माई माई कली ना रे बिटिया ना रे बिटिया ना यम के असगुन जनात बा बिटिया। रात में खराब खराब सपना इतनी बार हमरे आगे कथरिया परोसल खिंचा गई। अब तू ना चल भी जम्मू कश्मीर ना हम अकेले चाह अपने लाल का पता लगा ले। अब मंजुला समझ गई
कि माई मानी ना आई भेद खुल जाई कलश मंजुला ए माई देखा बपिए करवाए आ जाला और चला अंदर चारपाई लगौले ही तब तक लेटा माई बाबू हो जब गईली चारपाई पर लेट गईली देखा वो दुनिया के मालिक माई के हल्की हल्की नींद आवे लगल आया हर माई के नींद आवत हो वो हर पपिनिया को देखा बाबू गड़ासा पथरत बा तब ले माई एक दूसरा सपना देख लाली दूसरा सपना का देख ली मास्टर अरे दूसरा सपनवा माई देख रातिया मेरे भैया रोई रोई कात बामा नजबई रे हमार अर जाऊनी ठैया पारल बिया तोरी पाल गरिया माई वही नीचे दाबल बिया लसिये रे अमार अरे सांगवा में पानी हमारे जीजा जी कलसिया माई मंजुला बहनिया देहला अमन के मार अरे खाता रे में पारल बिया तोहरो परनवा माई पाच जाय जान माई होई जा परार हे बाबू माई सपना का देखा थी हमर बेटा मनोज आई गई अपने बहन के घरे हमके जगावत बा ए माई ए माई हे उठा माई तुखे मालूम ना आना जौने चारपाई पर तू लेटल हूँ वही चारपाई के नीचे हमार लाश डालल बा इतने ना माई हमरे साथे साथे जीजा का लाश बा ओ माई मंजुला बहन हमान के बोटी बोटी काट के ए चार पाई के नीचे तोपले बा माई माई जोर से चिहुक गईली चार पाई पर टोवत ही बेटा ए मनोज मनोज अरे कहाँ है रे लाल अरे पगला कब से तू आके बहन के घर छुपल है आम तोर सपना देख के एकदम पागल हो गल ली रे बेटा अच्छा एक बार फिर तू माई कहो अब हम घर में खोज ले तू कहाँ से बुल्ले है आवाज ना आई वो तो बाबू हो मनोज का आत्मा रहल माई समझ गई चारपाई पटो थी बेटा अरे तो हम सपना देख ली छम माई चारपाई से उतर के चारपाई के नीचे देखो थी बहिन मिट्टी वहां का गिल बा आधा घर लीपल बा आधा घर वैसे माई कली ओ दाल में कुछ काला बा माई अपन जान बचा के बाबू खिड़की के रास्ता से भागल चाहत हई अ तब ले पपिनिया गणासा लेके आ गई शौक के चारपाई पर चढ़ल बा देखला सर माई नदारत माई माई चला बहुत बढ़िया बहन माई मनोज के आदि में पागल हो गई अब माई कहीं चल गई अब हमार कोई कुछ कह ना पाई बड़ा खुश बा लेकिन बाबू हो माई कहाँ पहुँचल ही हम बताई ला बिरहा के सुने वाले बाबू लोग आप लोग भी ये बात पर गौर करिए चोरी हत्या पाप खुले आपसे आप माई करत का ही मास्टर अरे थान है पारा पाटियाली का
सारी बात बता डाली। दरोगा साहब कहले मई सुना, चला तू गाड़ी में बैठा। दो चार गो महिला पुलिस के ले रहन, दरोगा साहब आ गई मंजुला के घरे। दरवाजा खोलवा दल मंजुला। दरवाजा को खोलो। मंजुला दरवाजा के खोल के देखलस, कलस आ ही मोरी माई। हे भगवान, ई दुआरे पर पुलिस। अरे उत रात के बेला रहल, छौने समय हम बोटी बोटी काटत रही, चारपाई के नीचे गाड़त रही, कोई देखलस त ना। लेकिन दरोगा साहब अलन कैसे, देखा दिमाग पहुंच गई दरोगा साहब के पास। कलस चला, बुद्धि के तो भंडार भरल है। कलस बनावटी लगल हिले, कल साहब हमारे पति जी को गलती कैले बढ़न का। अगर साहब हमारे पति जी को गलती कैले है ना, तो साहब सजा हमें मिले के चाहिए। काहे से वो पियक्कर आदमी हो, जा होला तहाँ पी के उलट जला। दरोगा साहब समझ गलो कि अरे ये तो हत्यारी नहीं लग रही है। कल ठीक है, इधर आओ। कलस साहब हम खुद परेशान ही, लगा का बलावत हुआ, हमरे पति का पता नहीं खे चलत। दरोगा साहब कलस सुनो, आओ इधर। कलस हाँ साहब। कल ये गाड़ी में कौन बैठी है, पहचान रही हो? कल साहब का बात, एगो पागल औरत के गाड़ी में बैठा के हमसे ओकर परिचय करावत हई। पाँव पड़त हई, हमार दिमाग खुद ना छबा। एक काम करिए, पागल औरत के ले के जाई पागल खाना में छोड़ दई, तब देखा दरोगा साहब का दिमाग। कहल जरा पुलिस के सिकंजा में इंद्राज भाई जे बच जाई, ओकर ना डील हो जाई, तो के बुझा जाई। अब देखल जा, दरोगा साहब कहल ठीक है, खड़ी रहो एक मिनट एक मिनट। वो बुढ़िया माई से सवाल कल, माई पहचानत हो के बा? माई कहली ए साहब, अरे एकर बात छोड़ा, इमर बिठिया मंजुला हमके ना पहचानत के छोड़ा कर बा, लेकिन चला ना जम्मू कश्मीर हमरे लाल से जल्दी मुलाकात करा दा। हाय हाय हाय, नहीं तो अपने लाल बगैर तड़प तड़प के मर जाई, हमरे आत्मा के शांति स्वर्ग में भी ना भेटाई। दरोगा साहब समझ गए, ओहो महिला पुलिस का इशारा कैलन का कैल मास्टर। महिला पुलिस हमारे मंजुला के लटकाई हो, सारी बात दहली तबा पुलिस के बताई हो, और लसिया पकड़ा के महिला पुलिस गाड़ी से फटाफट उतर के लगली लाठी बरसावे। इतनी लाठी बरसल, कहल जला गांव में बुढ़ऊ दादा लोग माई बहन लोग एक कहावत कहली कि मार के आगे भूत भागेला। तब मार पड़ा लगल, कहल हे साहब अब मत मारे दे साहब, पाँव पड़त हई। अब हम सही सही बता दे साहब, बहुत जोर चोट लगत बा साहब। दरोगा साहब इशारा कर रुक जाइए, हाँ बताओ क्यों लोग हैं कहाँ। साहब अब कुछ कहा ना जात पाओ साहब, अपने भैया के भी अपने सैया के भी साहब बोटी बोटी काट डली। दरोगा साहब कह रे पापी, तूने बोटी बोटी काट डाला, क्या हिम्मत है। अच्छा ये बताओ वो लाश कहाँ है। कला साहब चली ना घरवा में, लेकिन कोई के और मतलब चली, आप अकेला चली, बता देत बानी। दरोगा साहब कौन हो रहे पापी, मैं अकेले चलू घर में। ए बताओ जब तू काट रही थी और वहां गाड़ रही थी, क्या मुझे बुलाई थी। कल अच्छा साहब चली,
जब दरोगा साहब के साथ मिले के बाबू चलल बा, कहले अब ए साहब यही नीचे गड़ले ही खन के गड्ढा आप दोनों लाश के देख ली। दरोगा साहब कहले अरे तेरे बाप का नौकर हूँ मैं, तुम्हारे बाप का नौकर हूँ, चला दलन। जब एक बूट लगल ओ पापिन के छाट से चार पाई हटा के बाबू लगल गड्ढा के खोदे। जब गड्ढा के खोदलस बाप रे बाप, दोनों लाश मिलले बाबू। दरोगा साहब महिला पुलिस के इशारा कर रुक जाइए, दुश्मन का जान ना मारल जाला, शान मारल जाला। एक काम कैलन, का कैलन, ऐसन नारी ऊपर आज ठुकेला जमाना, और नहीं हर सासुर खा के कहवा पई है वो ठिकाना। सासुर खा के कहवा पई है वो ठिकाना। ए बाबू थोड़ा से आप ही सोची कि जे अपन घर स्वयं उजाड़ गई उ कई दिन दूसरे के घर में रह सकेला। दरोगा साहब एक काम कैलन, ओ पापिन के हाथ में हथकड़ी लगा के ले जाके जेल में बंद कर दलन। आज भी वो पापिन जेल में बंद बा, ऐसन कोई इंसान ना मिलल कि जे वो पापिन के जाग के जेल से बाहर निकाल दे। हम बतौले रही बिरहा के सुने वाले बाबू, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करत बनी, हमारे पूरे गाना गौले का मतलब यह है भाई कि आप लोग लालच कबो मत करिए। कैसे? बुरे काम का बुरा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है यारो उसका उसका घर देखो। जे बुरा करी यही समन्वय आई, आज ना 10 दिन के बाद आई, लेकिन आप समझी ना पैबा कि हम बुराई कैले रही वो हमारे अगमय होता। तो ए लिए बाबू भैया लोग हाथ जोड़ के निवेदन करत बनी कि आप लोग लालच कबो मत करी हैं। हाँ एक बात और बा, कोई से रुपया का लेन देन हिसाब से करी है। हमरे बाबू जी बताओ इंद्राज भाई, कल उजाला एक सिख हमके बिरहा से मिलन। हम कहे हाँ पापा कौन सिख? कहल कि कोई के कर्ज लेन देन बड़े हिसाब से करे के चाहिए, अगर ज्यादा कर्जा कोई के दे दला तो वो तो के बीच राही में रोज जो ही कहाँ मिले पट से उड़ा दे, ना रही हा ना वो साबूत रह जाई। तो बाबू अगर हमार बात आप लोगों के पल्ले पड़ी अच्छी लगी तो आप लोग आज से लालच छोड़ दी हैं, अगर हमार बात जाके अच्छी ना लगल हुई तो उसे हम क्षमा मांगत बनी, वो तो सामने एबे करी। आखिर कहना बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुड़का गए चंद्रिका कवि बच्चन जी बने पूजा और अब पापिन का पागल भाई ने मनावा उजा